आगे बढ़ते हैं। टर्की में जिस तरह से अर्थक्वेक आया, उसमें 8 दिनों बाद भी लोगों को ढूंढने का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच टर्की के हताय से एक महिला को 205 घंटों यानी कि 8 दिनों तक एक तरह से कहा जाए वो मौत से लड़ती रहीं, और उसके बाद आखिरकार जो रेस्क्यू करने वाले थे उन्होंने उस महिला को बचा लिया। देखिए रिपोर्ट। टर्की में जीत रही है जिंदगी, जीने की जिद दे रही है मौत को मात। जी हाँ, टर्की में आए भूकंप के बाद शहर के शहर मलबों के ढेर में बदल गए, लेकिन मलबों के इस ढेर से अब भी लड़खड़ाती सांसों की तपिश महसूस हो रही है। स्ट्रेचर पर लेटी इस महिला को देखिए, इसकी जिद के आगे मौत को भी सरेंडर करना पड़ा। 205 घंटों तक मलबे में दबी इस महिला तक मौत पहुंचती उससे पहले रेस्क्यू टीम यहां पहुंच गई और मलबे से सही सलामत इस महिला को रेस्क्यू कर लिया गया। हालांकि हर कोई इस महिला की तरह लकी नहीं रहा। अड़तीस हजार से ज्यादा ऐसे लोग भी रहे जिनसे जिंदगी ने खुद ही दामन छुड़ा लिया। वो मलबे से बाहर तो आए लेकिन जिंदा नहीं। टर्की में मौत का ग्राफ अब भी बढ़ रहा है, लेकिन मौत के बढ़ते ग्राफ के बीच हर रोज ऐसे मिरेकल भी हो रहे हैं। क्योंकि जब 205 सेकंड भी सांस रोकना मुश्किल हो, तब 205 घंटों बाद भी मलबे में दबे कई लोग जिंदा और सही सलामत रेस्क्यू किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनटीवी अमेरिका।